फिर से वही प्रॉब्लम, हमेशा एक ही प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मंडे और अभी जस्ट मैं पूजा करके उठी हूँ, जस्ट अभी उठी हूँ और रेडी हो गई हूँ। सेम सूट पहनी हूँ क्योंकि यही सिर्फ अच्छे से धोया हुआ था और इसी को पहन के मैं पिछला सोमवार की थी, तो मैं सोची इस बार भी मैं इसको पहन के इसका सोमवार कर लेती हूँ। और दूसरी चीज़, मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा और कुछ इस पर खाया पिया हुआ नहीं है तो बिल्कुल शुद्ध है, तो इसलिए पहन के जा रही हूँ। और पैर वैर कलर कर ली हूँ क्योंकि आलता लगा के ज़रूर से ज़रूर मंदिर, मतलब जब भी जाना होता है या कोई भी पूजा जो मतलब ये कहते हैं ना स्पेशल पूजा, तो आलता ज़रूर लगाना चाहिए। तो मैं आलता लगाई हूँ। अभी 11 बज रहा है, आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि कल हम लोग शॉपिंग करके आ रहे थे, काफ़ी थक गए थे। तो मैं तो उठ गई थी 5 बजे क्योंकि मेरे यारों का 6 बजे वैन आ जाता है, पर जो मेरे पड़ोसी लोग हैं, भाभी लोग, उन लोग को थोड़ा सा लेट होता है क्योंकि वो सब ना फैमिली वाले हैं तो सबको थोड़ा थोड़ा काम ज़्यादा रहता है। मेरे जैसे भी हैं न्यूक्लियर फैमिली, तो ना वो क्या कहते हैं, उन लोग को थोड़ा सा टाइम अभी लग रहा है। तो मैं तो रेडी हो गई हूँ, उन लोग जब कॉल करेंगे तो मैं घर से निकल जाऊँगी बाहर। तो अभी मैं मतलब जस्ट हेयर वॉश करी थी ना, तो पूरा तरह से बाल भी अभी नहीं सूखा है, बिल्कुल गीला है। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने, थोड़ा बहुत मैं आपको मंदिर का भी दिखाऊंगी और उसके बाद में मैं पूजा करके आऊँगी, तो उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी। उधर उधर होगा, उस वो पंडित जी के पास होगा। चलिए ना, करा के पैसा कीजिए। तो मेरे पास है ना, हम ले लिए थे। कितना था? 100 रुपया था। बहुत ज्यादा भीड़ है। तो अभी जस्ट पूजा करके आई हूँ जस्ट, और अपने लिए बना रही हूँ चाय क्योंकि एकदम इतना ज्यादा बाहर धूप था। हम लोग 11:30 में गए थे और आए हैं 12:45 में। 12:45 में पूजा खत्म करके हम लोग 10 मिनट बैठे मंदिर में, फिर 1 बजे हम लोग वहाँ से निकले हैं और अभी बज रहा है 2:30। आरू भी आ गई स्कूल से, उसको खाना दे दी हूँ, खा रही है, पापा के साथ खा रही है दोनों। और ना मैं आपको दिखाऊंगी, पापा के साथ खा रही है और अभी मेरा बन रहा है चाय। और चाय मैं सोची थी कि दूध वाला पीऊंगी, बट मेरा दूध फट गया क्योंकि सुबह 10 बजे दूध मिलता है और उसको मैं गैस साफ़ होने का, मैं चूल्हा साफ़ होने का इंतज़ार करते 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 काफ़ी ज़्यादा गर्मी है इसलिए फट गया दूध। और ये यहीं पर है दूध मेरा फटा हुआ, अब इसको यूज़ नहीं कर सकती। इसको मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा गुड़, और वो छेना जो निकलता है वो मैं खा लूँगी, तो उससे ज़्यादा एनर्जी मिलेगा दूध। तो अभी ना चाय नहीं पीऊँ इसलिए सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और ना फास्टिंग में मेरे को ना दूध वाला चाय चाहिए होता है क्योंकि उससे क्या था एनर्जी मिलता है। और सुबह से कुछ नहीं चाय वगैरह पी थी, सुबह सिर्फ और सिर्फ नारियल पानी पे हूँ और पानी, और जो प्रसाद पूजा करके आई हूँ वो खाई हूँ, तो वो बस इतना ही खा रही हूँ 2:30 बजे है। और ऐसे ही फास्ट में मैं ज़्यादा नहीं खाती, फास्ट का मतलब होता थोड़ा फास्ट रहना चाहिए, एकदम दिन भर खाते नहीं रहना चाहिए, ये फल वो फल वो फल ऐसे नहीं करती मैं, थोड़ा बहुत खाती हूँ, ज़्यादा नहीं, 1-2 केला खा ली, बादाम खा ली, ऐसे करके रहती हूँ। तो अभी बस मेरा चाय बन रहा है। और आज ना बहुत ज़्यादा मंदिर में भीड़ था, इतना ज़्यादा मंदिर में भीड़ था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब मैं
ऐसा भीड़ कभी नहीं देखी थी लोकल मंदिर में। ऐसे धाम पे जाते हैं जैसे बाबा धाम हो गया, विंध्याचल हो गया, तो वहाँ भीड़ समझ में आता है। लोकल में इतना ज़्यादा भीड़, इतना ज़्यादा भीड़ कि आपको पता है गैस लग रहा था मंदिर के अंदर, एकदम गैस। तो मैं गई अंदर, फिर तुरंत बाहर आई, फिर मैं हिम्मत जुड़ा के अंदर गई एकदम और घुस के पूजा करके आई हूँ। मतलब सारे लोग के बीच वैसे घुसे, धीरे 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 अपना जगह बनाई और उसके बाद अपना पूजा स्टार्ट करी। तो पूजा बहुत जल्दी जल्दी करी थी, अच्छा से पूजा भी नहीं हुआ, भीड़ में अच्छे से पूजा नहीं होता। बट हाँ, जल भगवान पे चढ़ गया, यही बहुत है। दूध लेके गई थी थोड़ा सा, वो चढ़ाई, तो ये सब चढ़ गया, वही मेरे लिए बहुत है। पूजा तो भगवान सब लोग कर रहे हैं, और उस भीड़ में जो पूजा होता है ना, फेंक के, कोई ऊपर से फेंक रहा है, कोई प्रसाद फेंक रहा है, जैसे तैसे पूजा करने से अच्छा सिंपल पूजा कीजिए। तो बस मैं वही करी और बाहर निकल के धूप दीप करके वहीं पर रखती, बस हो गया। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बना रही हूँ, चाय पीऊँगी एंड उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। मेरा आँख एकदम ये हो रहा है। पैर कौन कर खाता है? नहीं, पैर मोड़ो ऐसे नहीं। पापा कैसे किए हैं देखो। खाओ। मम्मा चोट पे क्या रखा जाता है? नहीं कुछ होगा। अच्छा ठीक है, जैसे मैंने वैसे बैठ। होना तो चाहिए बारिश, मगर अब होगा लग रहा है। लग रहा, कैसा लग रहा है? बारिश भी होने वाला है, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। ऐसा मौसम करती है। तो स्माइल करो। क्या हुआ, दुखी क्यों है इतना? इतना सुंदर साड़ी है। अभी जस्ट मार्केट से हम लोग आए हैं लौट के, और सडन, मतलब सडन नहीं, कल से प्लानिंग था कि अगर मेरा सब कुछ ठीक रहा तो शाम में जरूर से जरूर मार्केट जाएंगे। आरू का लेना था बंगाली साड़ी, क्योंकि इस बार आपको बताई थी ना, इसे 15 अगस्त में इसका डांस है, और इसको मतलब अच्छे से रेडी करके भेजना है। एकदम बंगाली साड़ी, बिल्कुल उसका मेकअप बिल्कुल एकदम बंगाली लगनी चाहिए। तो ना उसके कारण ना मेरे को आज मार्केट जाना पड़ा। मार्केट में गए, फिर से वही प्रॉब्लम, हमेशा एक ही प्रॉब्लम हो रहा है, जहां जाते हैं बारिश स्टार्ट हो जाती है। हम लोग का तो जब भी निकल रहे हैं ना, तब बारिश स्टार्ट हो रहा है। हम देन से कि ये कहते दोपहर में चलते, जैसे मैं आरू आती है खाना वाना खा के और थोड़ा सा रेस्ट करके 4 बजे तक चलते हैं, 5 बजे तक वापस आ जाएंगे। पर ये नहीं, शाम में चलना, शाम में चलना। तो ठीक है भाई, शाम में भी हम लोग गए, शाम में गए, वही हुआ, बारिश स्टार्ट हो गया। इतना ज्यादा बारिश कि मैं क्या ही बताऊँ। सारे लोग हमारे शॉप में अपना अपने आप को बचाने के लिए आ रहे थे, जिसमें हम लोग ले रहे थे ना आरू। हाँ। तो आरू के लिए हम लोग क्या क्या खरीदे, तो सबसे पहले ये देखिए आरू जी ये पहन रही है, ये साड़ी है, ये बंगाली साड़ी है बिल्कुल। अरे आरू उल्टा सा पहन रही, बड्डा ऐसे मत करिए, अभी खराब हो जाएगा एकदम, बिल्कुल एक से दो बार पहनने लायक है, नहीं तो फिर ना ये खराब हो जाएगा। बिल्कुल पतला साड़ी है बेटा, खोलो खोलो, मुझको भी पहनने का मन। अच्छा ठीक है, पहनाएंगे पहनाएंगे, पहले खोलो ना। तो ये एकदम आप देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा, एकदम एकदम सॉफ्ट कपड़ा। और इसका ये देखो, ये इसका पल्लू है, बहुत सुंदर। जब मैं इसको वेयर करवाऊंगी ना इसको, और ये जब कैरी करेगी एकदम सुंदर बाला के जैसा, तो एक नंबर लगेगी। और साथ में क्या लिए आरू, साथ में हम लोगों को मिल गया पेटीकोट, छोटा सा पेटीकोट, एक देखो कैसा है, बिल्कुल छोटा पेटीकोट है। एंड ये हमें मिला है, एंड ये है ब्लाउज, ब्लाउज भी आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा सुंदर, इतना ज्यादा सुंदर है ना कि मेरे को
मेरे को पहनने का मन कर रहा है, इतना प्यारा है, बिल्कुल लाइट वेट है, साड़ी भी बिल्कुल लाइट वेट है। ऐसे एक साड़ी और हम लोग के पास था जो आरू की फ्रेंड की मामा दी थी, तो वो साड़ी ना बड़ा का साड़ी है, वो पहनाने के लिए वही पहनाने के लिए सोची थी। मैं जो थी मार्केट गई थी सिर्फ इसलिए कि इसका ब्लाउज का पीस लेकर कपड़ा लेकर हाँ सिलवाना होगा, और दूसरी चीज़ पेटीकोट के बारे में सोची ही नहीं थी। बट वहाँ जैसे ही मैं गई लेने के लिए ना ब्लाउज का कपड़ा, वहाँ बोला क्योंकि यहाँ का डीएवी का सारे बच्चों का पहनना है, जिस मतलब 2A को सबको पहनना है, तो बहुत सारे बच्चे कुंडा से भी जाते हैं, तो उन लोग को भी वो बोला कि अच्छा अच्छा आप लेने आए हो, हमारे पास है। तो वो जैसे ही दिखाया ना, तो मेरे को एकदम इतना अच्छा लगा, सिर्फ और सिर्फ 400 रुपीज़ में मिल गया तीनों चीज़। तो मेरे को लगा जी भाई ये पहनाना ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि ये मतलब बड़ा का साड़ी बच्चा पहन ले तो वो कैरी करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, कैसे वैन पे जाएगी, कैसे बैठेगी, तो उसके कारण ना मेरे को लेना पड़ा। हम सोचे कि ले लेते हैं, ये बेस्ट है, एक तो इतना लाइट वेट, इसको अच्छे से पहन सकेगी, वैन पे बैठ सकेगी और वहाँ डांस भी कर सकेगी, है ना रू? सबसे मेन चीज़ क्या है? डांस है ना। इसको पहने के तुमको हल्का फील करेंगे, तो खुल खुल के डांस कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए हम लोग बैंगल्स दिखो, बैंगल्स दिखो, और रेड कलर का बैंगल्स रहेगा, और यहाँ पे एक बड़ी सी बिंदी और गजरा रहेगा, छोटा सा एक गले का सेट पहना दूंगी कुछ भी, और एक क्या कहते हैं लंबा सा चोटी रहेगा, चोटी बोली है मैम, लॉक खोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी दिखता है लॉक। और ये देखिए ये वॉलवेट वाला रेड चूड़ी, इतना सुंदर लग रहा था मेरे को, इतना सुंदर, मैं आपको क्या ही बताऊं, एक बड़ी सी बिंदी, जितनी बड़ी मैं भी नहीं लगाती उतनी बड़ी बिंदी आरू के लिए ये रेड वाला। तो ये सारा चीज आरू का खरीद के हम लोग निश्चिंत हो गए बिल्कुल। अब हम लोग को सिर्फ 15 को इसको रेडी करना होगा, बिल्कुल मेकअप अच्छे से करना है, क्योंकि आरू आगे में बैठ मतलब आगे सबसे आगे है ना आरू। तो अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा काम है किचन का, किचन में काम ख़त्म करके रेस्ट करना है, और उसके बाद ना वीडियो एडिट करना है। अनूप जी गए हैं अपने लिए खाना लाने, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेट हो गई थी, और जैसे ही मैं वहाँ से आई ना अब मार्केट से, तो बगल में जो मेरी भाभी पड़ोसी है उनको मैं ये दिखाने चली गई, क्योंकि हम लोग का बहुत अच्छा मतलब आम बहुत अच्छा लगता है, दूसरे के आते जाते हैं, हमेशा आते जाते हैं, कुछ भी हुआ तो हम लोग चले जाते हैं, या फिर कुछ भी हो तो वो आ जाती हैं, तो उनके यहाँ गए साड़ी दिखाने, तो वो भी देख ली इसी बहाने, बहुत देख के हंस रही थी, छोटे बच्चे का साड़ी ऐसा होता है, मेरे को भी बहुत अजीब सा लग रहा था। तो आपको एंड करूँगी, आई होप आपको मेरा आज का मिनी ब्लॉग तो नहीं है, काफ़ी लंबा ब्लॉग है, पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, एंड हाँ कमेंट के थ्रू मुझे जरूर बताइएगा आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। ठीक है, कल मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, वाओ।